ये वीडियो है उन स्टूडेंट्स के लिए जिनके पास ग्रेजुएशन में साइकोलॉजी सब्जेक्ट नहीं था, किसी और स्ट्रीम से अपनी ग्रेजुएशन कर रहे हैं या फिर ग्रेजुएशन कंप्लीट कर चुके हैं और अब अपनी मास्टर डिग्री साइकोलॉजी में करना चाहते हैं और अपना करियर साइकोलॉजी में बनाना चाहते हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि क्या नॉन साइकोलॉजी बैकग्राउंड स्टूडेंट अपना मास्टर साइकोलॉजी में कर सकते हैं और नॉन साइकोलॉजी बैकग्राउंड स्टूडेंट्स के लिए कौन से कॉलेजेस हैं जहां वो मास्टर डिग्री में एडमिशन ले सकते हैं। इसकी पूरी इन्फॉर्मेशन लाइक एडमिशन प्रोसेस क्या है, कौन से कोर्स अवेलेबल हैं, कितनी सीट्स कौन से कॉलेज में अवेलेबल हैं और एडमिशन क्राइटेरिया या फिर एलिजिबिलिटी क्या है, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको आज के इस वीडियो में मिल जाएगी। तो चलिए बात करते हैं इन कॉलेजेस के बारे में और शुरू करते हैं आज की ये वीडियो। तो सबसे पहला कॉलेज है BHU बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, जहां से आप कर सकते हैं MA साइकोलॉजी। MA साइकोलॉजी की यहां पर 51 सीट्स अवेलेबल हैं और अगर बात करें एडमिशन की एलिजिबिलिटी की तो यहां आपको चाहिए 50% इन ग्रेजुएशन और ये ग्रेजुएशन आपकी किसी भी स्ट्रीम में हो सकती है और एजुकेशन का पैटर्न आपका 10+2+3 होना चाहिए। इस कॉलेज में MSc साइकोलॉजी भी अवेलेबल है लेकिन उसके लिए साइंस इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी या फिर मेडिकल साइंस में ग्रेजुएशन होना ज़रूरी है। और यहाँ बात करें अगर एडमिशन की प्रोसेस की तो एडमिशन यहाँ मिलेगा आपको BHU PET पोस्ट ग्रेजुएट एंट्रेंस टेस्ट में जो रैंक आपकी आएगी उसके अकॉर्डिंग। तो आइए अब दूसरे कॉलेज की बात करते हैं। दूसरा कॉलेज है JMI दिल्ली जामिया मिल्लिया इस्लामिया और यहाँ अवेलेबल है MA अप्लाइड साइकोलॉजी जिसकी 42 सीट्स अवेलेबल हैं और यहाँ एडमिशन के लिए आपको चाहिए 55% मार्क ग्रेजुएशन में और यहाँ भी आपका एडमिशन होगा एंट्रेंस टेस्ट में जो रैंक आपकी आई है उसके अकॉर्डिंग। अगली यूनिवर्सिटी का नाम है सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार, यहाँ अवेलेबल है MA साइकोलॉजी और MSc साइकोलॉजी जिसकी टोटल 35 सीट्स अवेलेबल हैं और एडमिशन की एलिजिबिलिटी है 50% मार्क्स इन एनी स्ट्रीम ग्रेजुएशन और यहाँ पर आपका एडमिशन एंट्रेंस टेस्ट में जो आपकी रैंक आई है उसके अकॉर्डिंग ही होगा। अगला कॉलेज है DU साउथ कैंपस, यहाँ पे अवेलेबल है MA अप्लाइड साइकोलॉजी जिसमें 31 सीट्स अवेलेबल हैं जिसमें से एंट्रेंस के बेस पर 16 सीट्स और बाकी की 15 सीट्स होंगी मेरिट के अकॉर्डिंग। और यहाँ पे बात करेगा एलिजिबिलिटी की तो बैचलर डिग्री में आपको 60% मार्क्स होना ज़रूरी है और यहाँ पर भी जो आपका एडमिशन होगा वो एंट्रेंस और मेरिट के बेस पर होगा। इसके बाद जो अगली यूनिवर्सिटी है वो है DU नॉर्थ कैंपस, यहाँ अवेलेबल है MA साइकोलॉजी जिसकी टोटल 108 सीट्स अवेलेबल हैं जिसमें से 54 सीट्स पे जो एडमिशन होंगे वो होंगे एंट्रेंस के बेस पर और बाकी के 54 सीट्स पर होगा मेरिट के बेस पर और यहाँ की एलिजिबिलिटी है बैचलर डिग्री में 60% मार्क्स होना ज़रूरी है और यहाँ पर भी एडमिशन होगा आपका एंट्रेंस और मेरिट के बेस पर। चलिए अब अगली यूनिवर्सिटी के बारे में बात करते हैं। अगली यूनिवर्सिटी का नाम है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, जहाँ पर अवेलेबल है MA क्लिनिकल साइकोलॉजी और ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर साइकोलॉजी जिसकी टोटल 40 सीट्स यहाँ अवेलेबल हैं और इसकी एलिजिबिलिटी है 55% मार्क इन ग्रेजुएशन और यहाँ पर आपका एडमिशन होगा एंट्रेंस के बेस पर। अगली यूनिवर्सिटी का नाम है अंबेडकर यूनिवर्सिटी, यहाँ अवेलेबल है MA साइकोलॉजी जिसकी टोटल 42 सीट्स यहाँ अवेलेबल हैं और अगर आप यहाँ एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपको चाहिए 45% इन ग्रेजुएशन और यहाँ आपका एडमिशन होगा एंट्रेंस एग्जाम में जो रैंक है उसी के बेस पर। अगली यूनिवर्सिटी का नाम है सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा और यहाँ पर कोर्स अवेलेबल है MA साइकोलॉजी। MA साइकोलॉजी की टोटल 40 सीट्स यहाँ अवेलेबल हैं और अगर आप इस कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपके ग्रेजुएशन में 50% मार्क्स होना ज़रूरी है और ये ग्रेजुएशन किसी भी स्ट्रीम में हो सकता है और यहाँ एडमिशन लेने के लिए आपको क्वालिफाई करना होगा एंट्रेंस एग्ज़ाम जो ये यूनिवर्सिटी कंडक्ट कराती है। इसके बाद जो अगली यूनिवर्सिटी है वो है सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ तमिलनाडु, इस यूनिवर्सिटी में अवेलेबल है MSc अप्लाइड साइकोलॉजी जिसकी टोटल 20 सीट्स यहाँ अवेलेबल हैं। बात करें अगर एडमिशन एलिजिबिलिटी की तो जो जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए 55% मार्क्स ग्रेजुएशन में होना ज़रूरी है, OBC स्टूडेंट के लिए 50% मार्क्स होना ज़रूरी है और SC ST या फिर PWD स्टूडेंट्स के लिए 45% मार्क्स ग्रेजुएशन में होना ज़रूरी है और इस यूनिवर्सिटी में भी आपको एंट्रेंस के बेस पर ही एडमिशन मिलेगा। अगली यूनिवर्सिटी का नाम है कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी थानेसर हरियाणा, जहां अवेलेबल है MA साइकोलॉजी। MA साइकोलॉजी की टोटल 50 सीट्स यहां पर अवेलेबल हैं
जिसमें एडमिशन के लिए आपको चाहिए 50% मार्क्स अपनी बैचलर डिग्री में, और यहाँ पर भी आपको एडमिशन एंट्रेंस टेस्ट के बेस पर ही मिलेगा। इसके बाद अगली यूनिवर्सिटी है सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब। इस यूनिवर्सिटी में भी एमए साइकोलॉजी अवेलेबल है, जिसकी टोटल 25 सीट्स हैं, और यहाँ एडमिशन के लिए आपको चाहिए 55% मार्क्स इन ग्रेजुएशन, और यहाँ एडमिशन आपको एंट्रेंस के बेस पर मिलेगा। इसके बाद जो अगली यूनिवर्सिटी है उसका नाम है सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कर्नाटका, जहाँ अवेलेबल है एमएससी साइकोलॉजी। एमएससी साइकोलॉजी की टोटल 30 सीट्स यहाँ पर अवेलेबल हैं। और बात करें अगर एलिजिबिलिटी की, तो बैचलर डिग्री किसी भी स्ट्रीम में एक रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से या फिर एक रिकॉग्नाइज्ड कॉलेज से होना चाहिए, वो भी 50% मार्क्स के साथ। और अगर आप ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको 45% मार्क्स ग्रेजुएशन में होना ज़रूरी है। और अगर आप एससी एसटी या फिर पीडब्ल्यूडी स्टूडेंट हैं तो आपको मिनिमम 40% मार्क्स यहाँ पर एडमिशन लेने के लिए चाहिए। अगली यूनिवर्सिटी का नाम है गुजरात फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी, और यहाँ पर अवेलेबल है एमए फॉरेंसिक साइकोलॉजी, एमएससी फॉरेंसिक साइकोलॉजी, जिसकी टोटल 35 सीट्स अवेलेबल हैं, जिसमें से 30 सीट्स हैं सारे स्टूडेंट्स के लिए, बाकी की 5 सीट हैं एनआरआई स्टूडेंट्स के लिए। बात करें अगर एलिजिबिलिटी की, तो यहाँ पर भी आपको किसी भी स्ट्रीम में 55% मार्क्स ग्रेजुएशन में होना ज़रूरी है। एमए और एमएससी फॉरेंसिक साइकोलॉजी के अलावा यहाँ पर एमएससी क्लिनिकल साइकोलॉजी भी अवेलेबल है, और एमएससी क्लिनिकल साइकोलॉजी की टोटल 50 सीट्स यहाँ पर अवेलेबल हैं, जिसमें से 40 सीट्स हैं सारे स्टूडेंट्स के लिए, और 5 सीट है एनआरआई स्टूडेंट के लिए, और बाकी की 5 सीट है मैनेजमेंट के लिए। बात करें अगर एमएससी क्लिनिकल साइकोलॉजी की एलिजिबिलिटी की, तो यहाँ पर भी आपको जो ग्रेजुएशन है वो साइकोलॉजी में कम्प्लीट होना चाहिए, या फिर एजुकेशन में, एचआरडी में, या फिर किसी भी साइंस सब्जेक्ट से आपका ग्रेजुएशन कम्प्लीट होना चाहिए। अगली यूनिवर्सिटी जिसकी हम यहाँ पर बात करने वाले हैं वो है एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी, जिसका नाम है एमिटी यूनिवर्सिटी। इसके नोएडा, लखनऊ, जयपुर, ग्वालियर, कोलकाता और पटना के कैंपस से आप साइकोलॉजी में मास्टर डिग्री ले सकते हैं, और यहाँ पर अवेलेबल है एमए साइकोलॉजी के लगभग सभी स्पेशलाइजेशन और एमएससी साइकोलॉजी। सीट्स तो बहुत ज़्यादा हैं क्योंकि यहाँ की फ़ीस भी काफ़ी ज़्यादा है। बात करें अगर यहाँ की एलिजिबिलिटी की, तो बस ग्रेजुएशन किया होना चाहिए, मार्क्स कितने भी हों, बस पास हो तो यहाँ पर आपको एडमिशन मिल जाएगा। अगली यूनिवर्सिटी है बनस्थली यूनिवर्सिटी, जहाँ पर अवेलेबल है एमए साइकोलॉजी, और इसकी एलिजिबिलिटी है बीए किया होना चाहिए, भले ही उसमें आपने साइकोलॉजी को एज अ सब्जेक्ट चूज़ किया हो या फिर ना किया हो, बस बीए आपने किया होना चाहिए। और सीट्स की इन्फॉर्मेशन यहाँ पर अवेलेबल नहीं है, यहाँ आपका एडमिशन होगा मेरिट के बेस पर। अब अगली यूनिवर्सिटी है अलाहाबाद यूनिवर्सिटी, जहाँ पर अवेलेबल है एमए साइकोलॉजी और एमएससी साइकोलॉजी, टोटल 80 सीट्स यहाँ पर अवेलेबल हैं। बात करें अगर एलिजिबिलिटी की, तो आपने बीए किया होना चाहिए या फिर बीएससी किया होना चाहिए, और बीए या बीएससी में आपके 60% मार्क्स होना ज़रूरी है, और अलाहाबाद यूनिवर्सिटी में आपको एडमिशन मिलेगा एंट्रेंस टेस्ट में आपकी जो रैंक आई है उसके बेस पर। तो ये सभी कॉलेजेस हैं जहाँ से नॉन साइकोलॉजी बैकग्राउंड वाले स्टूडेंट्स अपना मास्टर्स कंप्लीट कर सकते हैं और साइकोलॉजी करियर की तरफ अपना स्टेप बढ़ा सकते हैं। लेकिन क्योंकि आपने ग्रेजुएशन साइकोलॉजी से नहीं किया है, तो आपको अपने बेसिक्स पर थोड़ी ज़्यादा मेहनत करनी होगी, क्योंकि सीधे मास्टर्स की स्टडी आप बिना बेसिक नॉलेज के तो कर नहीं सकते, और ये बेसिक नॉलेज के लिए आपको 11th और 12th की एनसीईआरटी और ग्रेजुएशन के जो कुछ मेन टॉपिक्स हैं वो ज़रूर क्लियर करने होंगे। और जैसा कि हमने अभी वीडियो में देखा कि ऑलमोस्ट सभी कॉलेजेस एंट्रेंस एग्ज़ाम कंडक्ट कराते हैं, और उसी के बेस पर आपको कॉलेज में एडमिशन मिलेगा। तो अगर आप एंट्रेंस एग्ज़ाम के बारे में और जानना चाहते हैं, तो हमारी एक दूसरी वीडियो यहाँ से आप देख सकते हैं, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उस वीडियो में आपको एंट्रेंस एग्ज़ाम की सारी नॉलेज मिल जाएगी। तो दोस्तों बस आज की इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। उम्मीद है आपको वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। साइकोलॉजी से रिलेटेड और वीडियोज़ देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए द साइकोलॉजी क्लासेस को, क्योंकि यहाँ आपको मिलेगी साइकोलॉजी से रिलेटेड सारी वीडियोस। हम जल्दी मिलते हैं आपसे एक नए टॉपिक, एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जुड़े रहिए द साइकोलॉजी क्लासेस के साथ। थैंक यू।